दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के एकदम फ्रेश स्मार्टफोन Realme X7 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स से रूबरू करवा दूंगा, जिसके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपको ये स्मार्टफोन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। गाइज इन द फर्स्ट बात की जाए स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की अमोलेटेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, जिसके साथ आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जिससे आपकी उंगली का एक टैप लगते ही स्क्रीन घोड़े की तरह दौड़ने लगेगी। दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले में आपको इसके बेजल्स बहुत ही बारीकी से बुने हुए मिलेंगे, और इस डिस्प्ले पर आपको स्ट्रीमिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस एक अलग ही रहेगा। गाइज नेक्स्ट मैं बात करूँ स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर मिलेगा, जो 5G को एकदम फुल सपोर्ट करेगा। हालांकि इंडिया में तो अभी 5G की केवल प्लानिंग ही हो रही है, और जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो ये फुल सपोर्टिव होगा। गाइस स्टोरेज क्राइटेरिया पर नजर डाली जाए तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे। फर्स्ट जो वेरिएंट होगा वो होगा 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला, और सेकंड जो वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला। स्टोरेज के लिए कई लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग पॉइंट ये भी रहेगा कि इसमें आपको किसी भी तरह का कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। वहीं मैं बात करूं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड पंच होल कैमरा मिलेगा, जिसमें फोटोग्राफी का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। पावर बैकअप की बात की जाए तो इसमें आपको 4300 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिलेगी। वैसे ये बात तो है कि कंपनी बैटरी में थोड़ा इंक्रीजमेंट कर सकती थी, बट इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी आपको दे रही है 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर, जो कंपनी छाती ठोक के क्लेम कर रही है कि 33 मिनट में आपका फोन 100% तक चार्ज कर देगी। सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो इसके डिस्प्ले पे होगा, और भाई 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना फास्ट होगा ये। इसके साथ स्मार्टफोन में फेस अनलॉक सिस्टम भी होगा, जो फास्टली वर्क करेगा। गाइज मेन फीचर्स को मैंने कवर कर लिया है, अब बात आती है प्राइस की। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो 20,000 के अंदर अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है सुनने में आ रहा है कि 25,000 तक की प्राइस रेंज पकड़ लेगा। तो गाइज अगर आप मार्केट में ऐसे स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हो जो आपको 20,000 के अंदर अंदर 5G का सुख दे सके, तो भाई लोग आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ओके गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक मार दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घंटे को जोर से दबा लो, ताकि हमारा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे ना छूटे। ओके गाइज बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद।